वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती है, और वो भी नॉर्मली नहीं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। मतलब टॉपिक हुआ हमारे पास आज का फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। टोटल 5 चीजें कवर होगी। हम जब भी फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, बट ये दो ही चीज फिनेंशियल स्टेटमेंट में कवर नहीं होती, एक्स्ट्रा 3 चीज भी हमारे पास कवर होती है। दैट मींस फिनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 चीजें कवर होती है। तो फर्स्ट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। मतलब हमारा फिनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, 31 मार्च आती है, और उसी दिन को 31 मार्च को हमारे पास बिजनेस में जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब उसी दिन की असेट्स एंड लायबिलिटीज हमको चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे देखो फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द दैट मीन्स पूरे साल में जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट या फिर लॉस किए हुए है उसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और फाइनली एक कंक्लूजन बनाएंगे कि पूरे साल में आखिर कंपनी का रिजल्ट क्या है, क्या कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है, लॉस किया हुआ है, प्रॉफिट किया है तो कितना प्रॉफिट किया हुआ है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो हमको कहाँ से पता चलेगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसके बाद। थर्ड नंबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। मतलब पूरे फिनेंशियल ईयर में हमारे पास कैश कहाँ से इनफ्लो हो रही है और कैश कहाँ से आउटफ्लो हो रही है उसका हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास कैश फ्लो को अलग अलग 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट मींस हम बिजनेस करते हैं, परचेस सेल्स कर दे, उसके ऊपर से एक एक्टिविटी रहेगी। दूसरी एक्टिविटी रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स हमने पैसे कहाँ से लाए हुए हैं, डेप्ट कहाँ से लाए हुए, डिबेंचर है, लोन है, उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है, वो प्लस माइनस करके हम कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे। एंड देन आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स असेट के रिलेटेड, अगर हमारे पास असेट हमने बेची हुई है तो पैसे आ रहे हैं, असेट परचेज किया हुआ है तो पैसे हमारे पास आउटफ्लो हो रहे हैं। तो 3 एक्टिविटी से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे इनफ्लो हो रहे हैं और आउटफ्लो हो रहे हैं। वो भी हमारे लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होता है। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बट यस, ये हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ एप्लीकेबल होगा वही ये प्रिपेयर करने की जरूरत है। एंड लास्ट वन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स नोट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके रिलेटेड हम जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रहेगा क्या, ओनली एंड ओनली शेयर कैपिटल। बट शेयर कैपिटल में क्या ऑथोराइज कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है, उसके लिए एक नोट प्रिपेयर करते हैं। वो नोट जो हमारे पास होगी ना, वो भी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक फॉर्मिंग पार्ट गिनेंगे। दूसरी तरह से देखने जाए तो असेट साइड पे अगर हमारे पास फिक्स असेट है, टेंजिबल असेट तो हमने लिख दिया कि टेंजिबल असेट टोटल 1 करोड़ है, पर उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है, उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन करके हम नोट बनाते हैं। वो नोट को भी हम कवर करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो 5 चीजें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस ऑफ इक्विटी, बट यस इफ एप्लीकेबल हो रहा है तो, एंड देन आफ्टर एट लास्ट एक्सप्लेनेटरी जो हम नोट प्रिपेयर करते हैं। ये तो ये हो गया हमारा पंजा, दैट मीन्स 5 पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 चीज कवर होती है। इतना ही था आज के टॉपिक में। ओके, देन ऑल द बेस्ट।